निकलने यहाँ से। वीडियो बनाई है हम लोगों ने, आप जाके वीडियो देखें। जब तक मैं इसको इतना मारूंगा ना, इसी बात का आप लोग लाइक भी कर दो, मारूंगा, कमेंट भी करो, कमेंट सब्सक्राइब। मुश्किलों के बाद, कितनी स्ट्रगल के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद मिला है। कायदे आजम ने कितनी कुर्बानियां दी है, कितनी मतलब मेहनत करी है यार इसको हासिल करने में। और हम लोग कभी वहां कचरा फेंक देते हैं, कभी पान की पीक फेंक देते हैं, कभी घरों से कचरा फेंक देते हैं। बहुत यार, एक तरह से मैं बहुत यार दुखी हूँ। इस खुशी के मौके पर मैं आज दुखी यहाँ पे बैठा हूँ। और कितने लोगों ने यार कुर्बानियां दी है, और हमें यार इस मुल्क की अब कदर नहीं है यार। और एक और बात बताऊं तुम्हें, अबे ये बात छोड़ो, वो अंडे वाला बर्गर आज लास्ट है, जल्दी से चलो खाना। क्या जमाना था वो, बच्चे खेल रहे होते थे शाम में, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, आजादी ही आजादी थी। खैर आजादी तो अभी भी है, लेकिन वो बात नहीं रही जो पुराने जमाने में थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस मौके पे मुझे कलीम भाई की बहुत याद आ रही है यार। सोच रहा हूँ कलीम भाई को कॉल करूँ और उनको, उनके साथ थोड़ी पुराने जमाने की बातें करूँ और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। चलो कलीम साहब को कॉल करते हैं और उनको पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, हम ठीक हैं, आप सुनाएं कैसे हैं? A few moments later. जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाम का वक्त होता था, हम यार निकल पड़ते थे खेतों में, कभी कुछ करते थे, कभी लस्सी पी देते ठंडी ठंडी, कभी खेतों में गाय चलाते थे। क्या जमाना था यार सलीम भाई, क्या दिन याद आता है। वाह सलीम भाई, आपने तो हमारी पुरानी यादें ताजा कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइएगा कभी घर पे? जी जी जरूर जरूर, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे हम आपके घर। ये लॉकडाउन ये क्या बच्चों का बनाया हुआ इन्होंने, के लिए खत्म होता है, इंशाल्लाह आपके घर जरूर आएंगे। आप भी आइएगा कभी घर पे, चक्कर लगाइए। जी जी जी, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, बहुत सही है, घर वालों को सलाम दीजिएगा। जी अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया? वे पागल वागल हो गया क्या? चला जाए यहाँ से वरना बिट बिट जाएगा। अच्छा धनी गांव से आ जाते हैं, 14 अगस्त स्टार्ट होती नहीं इनके बाजी स्टार्ट। अबे यार आज तो बच गया वरना वो मारता मुझे। चलो अब किसी और को ढूंढता हूँ, ऐसे भी 14 अगस्त तक तो सबको तंग करना ही है। अबे ये तो कोई और है, इसको भी तंग कर। हाँ चलिए बोल देना उसको। हाँ उसको बोल। क्या हो गया, क्या हो गया, पिटना है? लाऊं एक? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, अब अगर आए ना तोड़ दूंगा बाजी। चल चल।
जबरदस्त हो गया यार, वाह फुल, मतलब शशके वाली तैयारी हो गई, सारी मुकम्मल हो गई है 14 अगस्त। एक काम करता हूँ, देख लेता हूँ कुछ भूल तो नहीं गए, सारी चीजें है या नहीं। ये हो गया कुर्ता, ये हो गया पजामा, ये हो गया कैप, और ये हो गई घड़ी। लेकिन यार मुझे एक चीज की कमी लग रही है। लेकिन किस चीज की कमी लग रही है? अरे हाँ, बैज भूल गया मैं तो। बैज तो बहुत जरूरी है, शुक्र अभी याद आ गया यार। लेकिन एक मसला है, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए पड़े हुए अभी, वो भी पेट्रोल के। अब क्या करूं? आइडिया, अनस को कॉल करता हूँ और उसको सीव्यू की ना लालच देता हूँ। उसको बोलूंगा भाई आ जाओ, मैं अपनी बाइक पे तुम्हें सीव्यू लेके चलूंगा और रात का खाना वाना खिलाऊंगा। ऐसे ही पागल बना देता उसको, वो तो है भी, सीव्यू का नाम सुन के फौरन आएगा। और उसको मैं बोलूंगा भाई अगर आप मुझे बैज दिलाओगे तो मैं आपको सीव्यू लेके चलूंगा। हाँ एक काम मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है, तुम पहले एक काम करो, अपनी बाइक लेके ना मेरे घर आओ। क्यों भाई, सीवियो नहीं जाना? यार तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली, मैं अभी तुम्हें यही बोलने वाला था। चलो फिर चलें। यार एक मसला है, लेकिन बताओ क्या मसला है। यार मेरे पास ना बाइक तो है लेकिन ना पेट्रोल नहीं है, और ना पैसे हैं कि मैं जाके पेट्रोल डलवा लूं। तुम दे दो ना यार। अच्छा दे दूंगा पैसे, अब तो आ जाओ। थैंक यू यार। रुक 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 रुक, एक मसला और है। अब क्या मसला है? यार मेरे पास ना सब चीजें हैं, ग्रीन और वाइट कपड़े हैं, ग्रीन कैप है, ग्रीन वॉच है, वाइट शूज है, बाजा भी है, सब है यार, सिर्फ बैज नहीं है। और पैसे भी नहीं है बैज खरीदने जाके, पैसे भी नहीं है मेरे पास। समझ तो गए होगे तुम मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। समझदार तो हो यार तुम। हाँ पता है, दे दूंगा बैच के पैसे, अब तो आ जाओ। थैंक यू सो मच, यानी थैंक यू सो मच। बस हाँ हाँ, 2 मिनट बल्कि 5 मिनट तो दे यार, हीरो बन गया हूँ हीरो, बस 5 मिनट में, बस 5 मिनट में। बाय 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 बाय। सीवियो जाने तो बहुत भारी पड़ गया। फाइनली गाइस अभी हम उठ चुके हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा बाहर का व्यू दिखा दिया जाए, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है आज 14 अगस्त है। तो चलिए जाने से पहले कुछ ग्रीन खा लेते हैं। तो गाइस अभी मैंने इतना ढूंढा लेकिन मुझे कोई ग्रीन तो मिला नहीं, सिर्फ एक ग्रीन पत्ता मिला, तो चलिए इसी को खाते हैं। तो फाइनली गाइस हमने एक ग्रीन पत्ता खा लिए, अब चलें कोई किसी को ढूंढते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन करते हैं उनसे 14 अगस्त से रिलेटेड के वो क्या स्पेशल कर रहे हैं 14 अगस्त में। तो मुझे एक भालू दिख रहा है, ओ आई मीन एक बंदा दिख रहा है, चलिए इससे क्वेश्चन करते हैं। तो आइए गाइस हम पहुंच चुके हैं भालू आई मीन बंदे के पास। तो हेलो, बैठ के बात करो बैठ के। ओके ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं मैं एक ब्लॉगर हूँ। नहीं मैं नहीं जानता, इनको पता नहीं कौन है ये, मैं नहीं जानता। यार भाई सुन तो लो। अबे भाई मुझे काम करने दो, फंटर वाइंस की स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, मुझे काम करने दो यार, जाओ यहाँ से, जानता हूँ नहीं। हेलो गाइस, हेलो गाइस। चलिए गाइस जैसे कि आपको पता है हमारी इज्जत हो चुकी है, चलते हैं इस व्लॉग का यहीं इख्तिताम करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। ओके तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें बिना तो जाइएगा नहीं, और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और अपना फेवरेट पार्टनर मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट में। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।